फैमिली वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ विशाली। सब लोगों का स्वागत है विशाली मित्रा की फैशन डोज पे। आई नो थंबनेल और टाइटल देखकर आपने क्लिक किया है क्योंकि आप भी एक्साइटेड है आगे आने वाली फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन के लिए। देखिए, फ्रेंडशिप डे पे मुझे लगता है कि अपने दोस्तों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्त स्पेशल होते हैं, है ना। किस किस के दोस्त, मतलब स्कूल वाले दोस्त अभी तक उनके साथ हैं कमेंट ज़रूर करना। मेरे तो अभी तक मेरे साथ हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। आज वीडियो में होने वाले हैं बहुत सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस। जब भी गिफ्ट देने की बात आती है ना, मतलब लगता है कि सारी दुनिया का स्ट्रेस सिर्फ इसी दिमाग पर आ गया है जब समझ नहीं आता कि किसी को क्या गिफ्ट करना है। और जबकि आपका बजट भी कम हो तो कम बजट में बहुत अच्छे गिफ्टिंग ऑप्शंस आज इस वीडियो में होने वाले हैं। सभी के कोड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। मीशो से होने वाले हैं, ऑलरेडी होलसेल प्राइस में है और बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। जल्दी जल्दी ऑर्डर कर देना ताकि जल्दी जल्दी आपके घर ये पहुंच जाए और आप इसको गिफ्ट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने नेकलेस पहना हुआ है विच इज़ कम्प्लीटली हैंडमेड, और हैंडमेड के लिए मेरा प्यार आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, ब्यूटीफुल नेक पीस जो मैंने पहना हुआ है, जिसके साथ ईयरिंग्स भी मिल रहे हैं, ये बहुत ही स्टनिंग है। कंप्लीट लुक को चेंज कर दे रहा है। लाइक मैंने सिर्फ एक ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी हुई है और अपने बालों को किसी तरह क्लचर से अटकाया हुआ है, बट स्टिल इट लुक्स गुड। सो मैं आपको इसको खोल कर पहले क्लोजअप लुक भी दे दूँ। सो अब मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा दूँ। लुक एट द मिरर वर्क, जिसपे पूरा ये मोती का काम किया हुआ है। नीचे टैसल लगाए हुए हैं फैब्रिक के, और मतलब धागे लगाए हुए हैं, और नीचे एक आपको शेल मिल रहा है। हल्दी मेहंदी के लिए ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। नीचे से ना थोड़े से फैब्रिक, वो जो टैसल है ना, थोड़े मुड़ गए हैं क्योंकि इसकी पैकिंग ऐसे होकर आई थी, बट एज इन आप देख सकते हो कितना सुंदर नेक पीस है। मैंने कितने सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स पर इस तरीके से नेक पीस देखे हैं हैंडमेड, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये आई थिंक सिर्फ 50 के अराउंड मुझे मिला था रियल मिरर के साथ इतने ब्राइट कलर्स में, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा। सो आप भी इसको ले सकते हैं, कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट गिफ्ट ऑप्शन पर। मतलब मुझे लगता है कि वॉच इज़ द बेस्ट थिंग, और मुझे कुछ ऑप्शंस ना इतने अच्छे दिखे मीशो पर। सो मैंने सोचा फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो बैंड की जगह अगर वॉच गिफ्ट की जाए, अगर उसी प्राइज में, तो अच्छा है ना। तो फर्स्ट मैं आपको वॉच दिखाऊंगी, दिस ग्रीन कलर का बैंड वाला वॉच। लुक, पूरा मैट में इसका आपको ये मिलेगा बैंड, और डायल भी अंदर ग्रीन कलर में मिलेगा। साइड पर आपको रोज़ गोल्ड पॉलिश मिल रही है। सच डिसेंट पीस। मैं इसको लगाकर भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो मैंने अभी पहनी हुई थी हाथ में, वो जोकर एंड विच की वॉच है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। मैंने अपना वॉच कलेक्शन ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने व्लॉग चैनल पर। सो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो कि काफ़ी स्मार्ट लगती है। देखिए, इसमें आई थिंक दो तीन कलर ऑप्शन और अवेलेबल थे, ब्राउन, मरून, ग्रीन, बट मुझे ये ग्रीन वाला ऑप्शन इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये मंगा लिया। सभी के प्राइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर मैंने चीज़ें खरीदी हैं। सो आई विश कि आपको भी पसंद आए। नेक्स्ट जो वॉच मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये देखिए, नेक्स्ट वॉच बहुत सुंदर है, रोज़ गोल्ड में। रिसेंटली आपने मेरा देखा है, मैंने अपनी वॉच का बैंड चेंज किया है, मैंने आज वो नहीं पहनी है। This dial, look, such a pretty watch। और इसका ना इस तरीके से ये जो metal वाला आजकल चला है ना band, वही है इसका जो ये system है। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक magnet जो इसमें चिपक जाती है, like ऐसे आप band की तरह इसको पहनते हैं। Oops, उल्टा पहन लिया। Band की तरह आप इसको पहनते हैं, और इसका जो कहाँ गया भाई, ये वाला जो part है इसको ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेच करके आप इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही स्मार्ट दिखने वाली वॉच है। ये देखो कितनी प्रिटी लग रही है, डिसेंट सोबर। इसका डायल भी बहुत सुंदर है, उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वॉच पर। ओके, नेक्स्ट वॉच के साथ दिस मरून कलर। यस, मैंने मरून कलर ऑर्डर किया था, मैंने अभी देखा, और इस तरीके की ना मुझे बॉक्स में रिसीव हुई थी ये वाली वॉच, जो ग्रीन वाली है, और ये इसका जो मरून कलर है ये भी मुझे ऐसे ही रिसीव हुआ था। तो मैं आपको दिखा दूँ इसका मरून कलर, चेरी और मरून सॉर्ट ऑफ कलर। ये देखो,
ये भी पहना हुआ काफ़ी स्मार्ट लगेगा, डायल में सेम कलर है और ये जो पॉलिश है वो रोज़ गोल्ड में है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब गोल्ड और सिल्वर के लिए तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग जाते हैं, मोस्टली लोग रोज़ गोल्ड ही पसंद कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि इस तरीके से आपके लिए कुछ ऑप्शंस लिए जाएं। ये देखो ये कितना सही लग रहा है पहना हुआ। और इसके साथ ना मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला बैंड। अगर आप भी उनमें से हैं जिनको वॉच के साथ ना ब्रेसलेट स्टैक करके पहनने में बहुत अच्छा लगता है तो ये वाला ब्रेसलेट ट्राई करना। फ्रेंडशिप बैंड के लिए अगर एज अ बैंड भी देखना चाहते हो तो ये यूनिसेक्स है, मतलब बॉयज़ भी पहन सकते हैं गर्ल्स भी पहन सकते हैं। इस तरीके से ना मैश वाला डिज़ाइन है इसमें, आप पूरा देख सकते हो और बैक साइड से कुछ ऐसे दिखता है, ये ओपनेबल है कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं अगर वॉच के साथ पहन लूँ तो लुक एट दिस, ये कैसा लगता है पहनने में। पहना हुआ मैंने ऑलरेडी एक बार पहन लिया था तो ये बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। ये देखो आप इसके साथ ये कितना स्मार्ट लग रहा है वॉच के साथ। सो ऐसे भी आप स्टैक करके पहन सकते हो। जो मैंने इस हाथ में ये स्टोन वाला ब्रेसलेट ऑलरेडी पहना हुआ है जिसको आप प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, ये मैंने मीशो से ही लिया था बट इसके कोड पर उस वक्त ये मतलब आज से तीन चार नहीं ज़्यादा ही होगा 6-7 महीने पहले मैंने इसको ख़रीदा था, ये स्टॉक आउट हो गया था। अगर ये स्टॉक इन हुआ तो मैं इसको भी डाल दूँगी कोड। जिसके नेक्स्ट जो वॉच मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना वो भी बहुत सुंदर है सिल्वर में। मतलब ये वाली वॉच देख के मुझे ख्याल आया कि एक बार वॉच का वीडियो भी किया जाए। ये देखिए सिल्वर में, लुक सिल्वर में इसका पूरा डायल है, यहाँ पर आपको एडी के स्टोन्स मिलेंगे और इसकी पूरी जो चेन है ना ये इन्होंने जो सेलोफिन पेपर टाइप का होता है ना उसे कवर की हुई है ताकि ये अच्छे से सेफ रहे और मुझे इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट में ये इतने की मिलती है उतने की मिलती है सस्ती मिलती है, बट एज इन अगर आप सोचेंगे कि एक वॉच के लिए अगर आप पर्टिकुलर मार्केट में जाते हैं तो उसमें आपका कन्विंस भी लगता है, टाइम भी जाता है, एफर्ट्स भी जाती हैं। घर बैठे अगर आपको होम मतलब एकदम डोर पर अगर मिल रही है ना चीज़ें तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है यार। चलिए नेक्स्ट। हाँ वो बात अलग है कि अगर आप कभी शॉपिंग करने गए हैं और आपको कोई अच्छी चीज़ टकरा गई तो आपने ले ली, बट स्पेशली मुझे लगता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए ना दूर दूर मार्केट में जाना वेस्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट अब ब्लैक ऑप्शन को कैसे छोड़ सकते हैं। ब्लैक में मेटल चेन के साथ ये वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लुक ये ब्लैक डायल है पूरा और इस तरीके से ना चेन वाला लिंक चेन सॉर्ट ऑफ इसका पूरा डिज़ाइन है। ब्लैक वॉच मैंने भी बहुत टाइम से नहीं पहनी है, मेरे पास एक्चुअली में ब्लैक वॉच नहीं है, मैं अभी रियलाइज़ कर रही हूँ इसको पहनते समय, तो मैं आपको दिखा दूँ पहन के क्योंकि ऑब्वियसली ये लूज़ है, अगर मैं अपने लिए फिट कराऊँगी तो मुझे इसकी कड़ियाँ निकलवानी पड़ेगी। यस ये देखिए ये भी पहनने भी काफ़ी स्मार्ट लग रही है। तो एज अ फ्रेंडशिप डे पे आप भी किसी को भी ये गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ ईयरिंग्स के ऑप्शन पर और एक ब्रेसलेट मैं आपको और दिखा दूँ। ये आई थिंक मुझे 80 रुपीज़ में मिला था बट मुझे ये सुंदर बहुत लगा था। इस तरीके से यहाँ पर 3-4 चेन्स लगी हुई हैं सिल्वर जर्मन सिल्वर की, यहाँ पर कुछ बीड्स हैं और यहाँ से ना ये ऐसे लॉक होता है सिल्वर में, तो ये वाला ब्रेसलेट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट एक नेक पीस मैंने मंगाया था जो कि काफ़ी स्लीक और डेंटी पीस मुझे लगा। ये देखिए इस तरीके से ना ये पूरे क्रिस्टल वाले मोती हैं और सेंटर में ना छोटा सा फ्लावर बना हुआ है और इसमें ना पोलकी लगा हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखो इसका ईयरिंग में ना सेम फ्लावर लगा हुआ है जो सेंटर पर है, उसके ईयरिंग्स इतने प्यारा लगा था। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। लुक बहुत ज़्यादा हैवी अगर आप ज्वेलरी पसंद नहीं करते और स्लीकर साइड पर और डेंटी पीसेस पसंद करते हो ना तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसमें ना ओम्ब्रे स्टाइल के ना बीड्स लगाए हुए, कहीं डार्क है कहीं लाइट है तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी सुंदर लगता है पहना हुआ। ये देखिए थोड़ा सा ना ब्राउनिश शेड में है ये, मरून ग्रीन रेड बहुत सारे कलर ऑप्शन है, आप सेलर की प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ ईयरिंग्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मुझे मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही शेयर करूँगी, मतलब ईयरिंग्स में अगर शो स्टॉपर है तो यही है, दीज हूप्स, लुक एट दिस चेक हूप्स, इतने सही लग रहे थे। मैंने एक्चुअली आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी टाइम पहले मैंने एक ज़ारा में ये देखे थे बट ये बहुत एक्सपेंसिव थे, तो आरजोनी के पेज पर मैंने जब ये देखा तो
ये देखिए आप देख सकते हो कि मतलब सिंपल कुर्ती के साथ अगर मैंने ये पहन लिया कितना स्टाइलिश लग रहा है। मतलब कुर्तीज़ पे तो अच्छा लगेगा ही और ड्रेसेस पे आप देख सकते हैं कितना सही लगेगा यार। चेक पैटर्न मैंने इस तरीके के इयररिंग कभी नहीं पहने थे। और इसमें आपको पोल्का डॉट भी मिलेगा, इसका जो दूसरा वाला डिज़ाइन था ना उसमें गोल 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 पोल्का डॉट्स थे ब्लैक एंड वाइट में। सो ये भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को भी गिफ्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्रेंड्स को गिफ्ट करना है, अपने आप को ट्रीट करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली में। नेक्स्ट जो ईयरिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत सुंदर है, अगेन आर्जोनी आई थिंक ब्रांड से, और ये भी जो क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है सच अ ग्रेट क्वालिटी लुक। ये आप वेस्टर्न के साथ तो पहन ही सकते हैं, अगर मैं इसके साथ भी पहन लूँ तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। पूरे इस तरीके से ना राउंड पर्ल का हुप बनाया हुआ है सेंटर पर, आई डोंट नो ये कौन सी राजा रानी है विक्टोरिया की, बट उनका फेस काफ़ी अच्छे से इंट्रिकेटली बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छे से दिख रहा है। मैट गोल्ड पॉलिश में है जो कि बहुत ज़्यादा चीप नहीं लगती है। ऑब्वियसली आप ये पहनेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई चीप क्वालिटी का एक्सेसरी पहना है, क्योंकि मैं ऐसी एक्सेसरी रेकमेंड भी नहीं करती पर्सनली। सो ये देखो लाइट वेट है और पहने में बहुत स्मार्ट लगते हैं, तो ऐसे इन ड्रेसेस के साथ तो पहन ही सकते हो, प्लस ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो ईयरिंग्स हैं, जब मैंने मंगाए तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ईयरिंग्स हैं। मैंने जब इसको वेबसाइट पर देखा था ना तो इस तरीके से हार्ट वाले ईयरिंग्स मुझे दिखाई दी। लुक पहले आप देख लो, क्या तराशा हुआ हीरा लग रहा है। मतलब सीरियसली इसका स्टोन का जो क्वालिटी है, जो एडी का क्वालिटी है, जस्ट मार्वलस अमेजिंग। जब मैंने ये निकाला मुझे लगा इसके पीछे की जो डंडी होती है वो टूटी हुई है, तो ये ईयरिंग मुझे टूटे हुए मिले हैं, बट एज एन ऐसा नहीं है। ये क्लिप ऑन ईयरिंग्स हैं, चिन के कान छिदे हुए नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, वो इतने अच्छे अच्छे ईयरिंग्स नहीं पहन पाते यार। सो आप ये वाले ईयरिंग के लिए जा सकते हैं, बैक साइड से ये क्लिप ऑन है, इस तरीके से आप अपने ईयर पे लगाइए और इसको जस्ट प्रेस कर दीजिए एंड यू आर रेडी। और मतलब ज़रूरी नहीं है जिनके ईयर पियर्सिंग नहीं है वो ही इसको पहनेंगे, लाइक मुझे इतना कंफर्टेबल लग रहा था, कोई भार नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई आपको ये नहीं फील हो रहा कि आपने ये क्या अचानक से पहन लिया। और इसकी क्वालिटी वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये देखिए पीछे भी नहीं लग रहा है। सो ये थे वो ईयरिंग्स। और लास्ट में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है ना उसमें आपने देखा होगा एक मंगलसूत्र स्टाइल का मैंने पेंडेंट खरीदा था, उस पर मैंने आपको कहा था मैं यहाँ पर पिक्चर ऐड ऑन कर दूँगी जो इसका रियल इमेज था, जो ये नीचे इस तरीके से पेंडेंट था, इसके साथ ऑरेंज कलर का पूरा वो माला था क्रिस्टल का, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तभी बात की थी कि मैं इसको चेंज करा लूँगी, तो मैंने इसमें सेंटर पर आप देख रहे हैं वाइट पर्ल का ना एक सर्कल बना हुआ है, ये मीना वर्क या नहीं स्टोन के साथ और मीना वर्क के साथ वाइट कलर का, मैंने उसी पर्ल की इसमें एक सिंपल चेन बनवा ली है एंड ये अब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। मैंने बहुत सारे अभी सूट्स के साथ इसको स्टाइल किया है, लुक इतना ब्यूटीफुल डेंटी पीस, बट ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अब मैं इसको इन्जॉय करूँगी, क्योंकि तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बट अब मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे अपने कोई ज्वेलरी पीसेस आपके पड़े हुए हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे, पेंडेंट अच्छा लग रहा है या चेन अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा के उसको यूज़ करो लाइक दिस। सो ऐसे आइडियाज़ भी आपको मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट ज़रूर कर देना और वीडियो के नीचे एक थम्स अप का बटन है, खाली रह जाता है यार, भूल जाते हो, लाइक का बटन दबा के जाया करो। चलिए यही था आज का वीडियो, यही थे आज के गिफ्टिंग ऑप्शंस, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग ऑप्शंस के साथ, तब तक के लिए स्टे चिपक के, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फॉर ऑल योर लव, बाय।